लियाकत अली चट्टा साहब जो कि रावलपिंडी के कमिश्नर हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा। आज उन्होंने साबित किया कि वो सच्चे और एक ईमानदार इंसान है और एक सच्चे पाकिस्तानी है। उन्होंने जो हकीकत बताई रावलपिंडी के इलेक्शंस के बारे में कि 13 नेशनल असेंबली की जो सीट थी जिसमें आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे, उनके रिजल्ट्स को तब्दील कर दिया गया और उनके साए तले हुआ। उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। और इसके साथ साथ अब मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से लियाकत अली चट्टा साहब ने अपना किरदार अदा किया है एक सच्चे पाकिस्तानी होने का, इसी तरीके से जो कराची के कमिश्नर हैं वो भी अपना किरदार अदा करें, क्योंकि वो याद रखें कि उन्होंने आखिर में अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के सामने एक दिन उन्होंने हाजिर होना है और अवाम को भी जवाब देने। कराची के कमिश्नर, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जो कुछ कराची के रिजल्ट के साथ हुआ है, जिस तरह 19 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन ली गई, जिसके अंदर किरदार एमक्यूएम का रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है, ये हरी हुई सीटें थी और उनके नाम पे जो है ये इनको तब्दील कर दिया गया। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना किरदार अदा करें और अवाम को और अदालतों को हकीकत बताएं और जो हमारे जजेस हैं उनके लिए आसानी करें। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस्लामाबाद में कल हमारी हियरिंग थी जिसमें 21 तारीख दी गई है। जज साहब बहुत ज्यादा हैरान थे जब मैंने उनको बताया कि 10 तारीख की रात को, हालांकि इलेक्शन 8 तारीख को हुए थे, 10 तारीख की रात को 12 बजे जो है रिजल्ट को तब्दील कर दिया गया था और उसके साथ साथ रिजल्ट तब्दील करने से पहले आरओ को भी तब्दील कर दिया गया था। अबू बकर साहब आरओ थे और सुने को बतूल नाम की खातून है, शायद यही नाम है अगर मैं गलती ना करूं, तो उनको जो है पोजीशन दे दी गई थी जो कि इलीगल काम था और उन्होंने रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं 21 तारीख दी गई है, 21 तारीख को इलेक्शन कमीशन में जजेस बैठे हैं, उनकी तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा और साथ साथ सिर्फ मेरा हल्का नहीं पूरे कराची को इंसाफ मिलेगा, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान की जो कौम है जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, अब इस बात पे यकीन करेंगे इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी, कामयाबी सच इंसाफ की होगी इंशाल्लाह ताला।